बिटकॉइन ने 40,000 के मेजर सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। व्हाट नेक्स्ट, क्या हम 30,000 के लेवल को भी देखने वाले हैं या फिर उससे भी नीचे के लेवल, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन में 42,000 से 46 के अराउंड तक का जंप हमें देखने को मिला था एंड आफ्टर दैट 3 times 46,000 के लेवल को क्रॉस करने से फेल होने के बाद बिटकॉइन के चार्ट में हमें शार्प डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और सभी की नजर टिकी थी 40,000 के सपोर्ट लेवल पर। लास्ट 2 weeks से बिटकॉइन ने इन लेवल को होल्ड करके रखा हुआ था बट यस्टरडे वो भी ब्रेक हो चुके हैं और बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $38 के अराउंड। इसके साथ ही एथेरियम $2,600 एंड कार्डानो $1 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से इसमें गिरावट चल रही है, जल्दी बिटकॉइन का प्राइस $35,000 को टच करेगा। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एंड क्रिप्टो मार्केट दोनों को अफेक्ट कर रहा है जिसके कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट में बनती इस अनसर्टेनिटी की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर सेलिंग कर रहे हैं। 17 फेब को बिटकॉइन का प्राइस 50 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर गया था जिससे ये पता चलता है कि मार्केट पूरी तरह से बियर्स के कंट्रोल में है। इसके अलावा बिटकॉइन का चार्ट हायर हाई फॉर्म करने में भी फेल हो गया डेली टाइम फ्रेम पर, जो कि बहुत एसेंशियल इंडिकेटर होता है मार्केट में रिवर्सल और ट्रेंड चेंज का। लास्ट वीडियो में हमने ये भी बात की थी अगर बिटकॉइन का प्राइस असेंडिंग येलो लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट में हमें 33,000 के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं और फाइनली बिटकॉइन ने इसको ब्रेक कर दिया है जो कि हमारी इस बात को कंफर्म करता है। और अभी तो डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट हुआ है इसलिए मार्केट में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए और ट्रेडिंग से थोड़े दिन दूरी बना लीजिए। अब बात करते हैं ओल्ड कॉइन की। जैसा कि हमें पता है सभी ओल्ड कॉइन मोस्टली बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। लार्ज कैप कॉइन की बात करें तो इथेरियम $2,600 के राउंड ट्रेड कर रहा है। कार्डानो ने भी $1 को ब्रेक कर दिया है और बाइनेंस भी $400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मिड कैप और लो कैप का तो सबसे बुरा टाइम चल रहा है। बीटीटी, गाला, हार्मनी, वजीरेक्स, ENJ ऑलमोस्ट सभी 5-10% डाउन है। फियर इंडेक्स को देखें तो 27 पॉइंट्स पर है जिसको फियर में काउंट किया जाता है, बट ये इंडेक्स लास्ट नाइट का है। तब मार्केट स्टेबल था और $40,000 के राउंड ट्रेड कर रहा था और इस टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड और एक्सट्रीम बियर फेज में है और इस इंडेक्स को मिडनाइट के टाइम पर अपडेट किया जाएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।